आज हम आए हैं दूधाधारी मठ प्रसिद्ध मंदिर। यह मंदिर रायपुर बूढ़ा तालाब के पास के नज़दीक स्थित है और यह मंदिर श्री राम जी को समर्पित मंदिर है। आज हम इस मंदिर का कुछ इतिहास बताने वाले हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो। तो चलो हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं बालाजी मंदिर और इस बालाजी मंदिर का भी इतिहास बताएंगे। तो चलो यह सस्ते सामने हम पहुंच गए हैं, इस मंदिर का कुछ बताते हैं। और यहाँ आपको श्री राम जी का कुछ सुंदर चित्र आपको देखने को मिलेगा। और यह मंदिर विष्णु भगवान जो कि इस मंदिर के पास रखा हुआ है शालिग्राम, जो विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण जब रायपुर नागपुर प्रांत में आता था तब इस मंदिर को रघु राव जी भोसले ने 1610 में निर्माण करवाया था, मतलब बनवाया था। और इस मंदिर में आपको अनोखे दृश्य देखने को मिलेंगे। तो आइए हम आपको और भी अनोखे दृश्य दिखा देते हैं। तो यह देखिए, यहाँ से देखिए कितना सुंदर सुंदर दृश्य है। और इस मंदिर का नाम, जैसे कि हम दूधाधारी मठ का मंदिर का नाम बलभद्र महंत के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरी नामक गाय जो भगवान को दूध चढ़ाती थी और बलभद्र शाह उस दूध को खाने के साथ ग्रहण करते थे और वो पहले व्यक्ति थे जो खाने में दूध को ग्रहण करते थे, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधाधारी मठ मंदिर रखा गया। और साथ ही आपको इस मंदिर में राम भगवान जब वनवास के लिए कुछ समय के लिए यहीं रुके हुए थे और यहीं रहते थे। और यहाँ सीता माँ की रसोईया भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ एक ऐसा अनोखा है, जब रावण समुद्र था उस समय एक पत्थर में श्री राम लिखा हुआ पत्थर आज भी पानी में तैर रहा है, तो हम उसे भी दिखाएंगे। और एक और भी अनोखा दृश्य है, जब इस बजरंगबली मंदिर में हर साल यह मंदिर भगवान की प्रतिमा बढ़ते जा रही है और यहाँ जो भी मन्नत मांगो पूरा होता है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये देखिए, आपने देख ही लिया होगा कि कितना सुंदर सुंदर दृश्य है। तो आपको यहाँ से हम थोड़ा पीछे का भी सर्कल दिखा देते हैं, जो अंधेरा था तो उतना क्लियर नहीं दिखा है। और अब तक की सबसे फेवरेट मेरे लिए गणेश भगवान की प्रतिमा मैंने नहीं देखी थी, तो आपको जस्ट इसके बगल में ही है, देखिए ये मंदिर बहुत ही अलग है। ये गणेश भगवान बहुत ही अनोखा दिख रहा है, देखिए बंधन लगा हुआ है टोटली। तो अब यहाँ से आपको सर्कल करके भी एक बार हम दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम आपको पीछे की ओर ले जाने वाले हैं, तो अंधेरा है तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, तो चलो लेके चलते हैं। ये हम आ गए हैं, अंधेरा लग रहा है पूरा, तो यहाँ से थोड़ा अगर आप आए तो क्लियर यहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। और यह सबसे रायपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और वो भी 1610 ईस्वी में बना हुआ यह मंदिर है। तो ये देखिए, आपको हमने पूरा एक और भगवान है यहाँ से और दिखा देते हैं। ये हो गया पूरा, अब आपको सामने की ओर लेके चलते हैं, जो यह बालाजी मंदिर के जस्ट सामने है बजरंगबली मंदिर श्री वीर हनुमान जी। अब यहाँ से जैसे कि मैंने बताया था आपको, मन्नत वाला हनुमान का मंदिर जो हर साल बढ़ रहा है, तो आपको ये दिखाएंगे। यह मन्नत वाला नारियल है, ये देखिए, ये आप देख ही रहे हैं यह कित, और आपको पास जाके और दिखा देते हैं। यह जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, ये देखिए यह हर साल बढ़ते जा रहा है। मैं छोटा था तब आया था तो यह छोटा सा था और अभी बहुत ही बड़ा हो चुका है। और दोस्तों आपको भगवान राम का बताएंगे और कुटिया दिखाने वाले हैं जहाँ भगवान राम निवास करते थे। अब इसके बाद आपको वो भी दिखाएंगे, एक और मंदिर है जो आपको दिखाते हैं। तो चलो आपको सामने की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, हम अंदर की ओर चलते हैं, ये मंदिर आ गए हैं। यहाँ भी आपको श्री राम जी का कुछ चित्र सुंदर चित्र देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको बहुत अनन्य, ये देखिए लक्ष्मी माता हैं, और भी सुंदर सुंदर दृश्य हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ से हम आपको श्री राम निवास कुटिया ले जाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ से आपको पूरा क्लीन दिख रहा है, यहाँ से आपको ये जूम करके हम दिखा देते हैं। तो यहाँ से अब हम जाएंगे श्री राम निवास कुटिया, जहाँ राम भगवान निवास करते थे। तो चलो हम चलते हैं।
ये आ गए हैं। हम आपको यहाँ लगा हुआ था तो अंदर जाने को नहीं दिया गया, तो आपको हम थोड़ा मोबाइल अंदर करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, यहीं आज भी वह सामान रखा गया है जब भगवान राम यहाँ निवास करते थे। देखिए जो भी है यह पुराने हैं, सभी को थोड़ा न्यू करके रखा गया है। अब यहाँ से हम दिखाने वाले हैं आपको जो दातुन करके भगवान राम ने फेंका था नीम का, वो आज भी दो पेड़ वहीं लगा हुआ है, वहीं मतलब जैसे कि जगह बोलते नहीं वही है। तो अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये वही पेड़ है जो भगवान राम ने दातुन करके यहाँ फेंका था। ये देखिए अब यहाँ से हम आपको दिखाएंगे सीता माँ की रसोई घर। आपको अंदर अंदर जाने को नहीं दिया गया कि हम फिर भी थोड़ा अंदर जाकर दिखाएंगे आपको। ये देखिए अंदर जाने को बहुत मुश्किल था सामने वाले गेट से, तो हम पीछे के गेट से गए। ये देखिए ये है रसोई घर। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वही पत्थर जो श्री राम लिखकर समुद्र में तैर रहा था, तो वही पत्थर आज भी पानी में तैर रहा है। तो चलो आपको वो दिखाते हैं आपको पास जाकर। तो ये देखिए आज भी दो पत्थर था जो कि अभी एक ही पत्थर है, पता नहीं एक पत्थर कहाँ चले गया। ये देखिए यही वो पत्थर है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो इसे वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि यह मंदिर क्यों फेमस है, तो आपको पता भी चलेगा कि मंदिर क्यों फेमस है। और साथ ही शेयर करोगे तो सब्सक्राइब करना ज़रूर बोल दीजिएगा। तो चलो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं और भी ऐसा वीडियो जो आपको अभी से नहीं पता चलेगा। तो चलो लेके चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी, जय श्री राम।